सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है 37% आता है लगभग मेंस में या एडवांस में या नीट में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगा। इसमें नाइन्थ के बच्चे भी हैं, टेंथ के बच्चे भी हैं, और क्या कहते हैं, इलेवन ट्वेल्थ तो है ही, तो इसमें बहुत ढंग से सुनना है सारा। नाइन टेंथ वाले बच्चे कम क्लासेस अटेंड करेंगे, तो चार पांच क्लासेस का मना कर दूंगा उनको मैं, और बाकी बहुत ढंग से सुनेंगे। इलेवंथ वाले बच्चे खासतौर पर नोट्स बनाएंगे बहुत प्रॉपर। इसके जो भी मैं काम दूंगा, मैं क्या कहते हैं, ऐसे कुछ चेकिंग ऐसे करेंगे कि एक जैसे कोई बच्चा एक को दिखाएगा तो दूसरा बच्चा दूसरे को दिखाएगा, इस टाइप से, मतलब चेकिंग इस तरीके से होगी, क्योंकि डायरेक्ट चेकिंग तो हो नहीं सकती है। तो मैं वो बता दूंगा, वो मैम बता देंगे कि आप पेयर बनने हैं जो क्या कहते हैं चेकिंग कर सकते हैं आपस में एक दूसरे की। तो काम जो है अगर रिटर्न में नहीं किया तो बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसी का ध्यान रखना जरूर। काम अगर इसका रिटर्न में नहीं किया तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, बहुत लंबा काम है ये, दिसंबर 27 तक कोर्स खत्म होता है इसका लगभग। तो मैं ट्राई करूंगा पहले खत्म हो जाए, अगर क्लासेस ज्यादा होती है तो जून में थोड़ी क्लासेस, अभी तो सैटरडे संडे क्लास चलेगी ये मान के चलना, सैटरडे संडे फिक्स टाइम मैं बता दूंगा कौन सा है। अगर सबको ये टाइम सूट करता है 8 बजे का तो 8 बजे का, नहीं तो मैं टाइम बता दूंगा कि क्या टाइम होगा, जो सबके लिए कॉमन रहेगा टाइम। तो ये ध्यान रखना, अभी 8 बजे आज क्लास है, और कल की क्लास 3 o'clock होगी दोपहर में, कल की क्लास 3 o'clock होगी, और एक इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलेंगे कुछ टाइम के बाद, ध्यान रखना चीज का। तो इसलिए बहुत ढंग से नोट्स बनाना है अपना, बाद में इसको फेयर करना है, ध्यान रखना चीज का, सही है। और नाम सर, 3 के अलावा कोई और टाइम नहीं हो सकता? कौन बोल रहा है? सर श्रेया। श्रेया क्या हो गया? 4 बजे फिजिक्स की क्लास। 4 बजे फिजिक्स की क्लास, चलो फिर कल का तो फिर वही रखना पड़ेगा। और शाम को सर 8:30 के बाद? 8:30 के बाद सर, 8 o'clock के बाद नहीं, 8:30 के बाद ना बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा लेकिन अगर आ जाते हैं तो बस ये दिमाग में रखना कि अपना मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वाला डे फ्री रखना, उसके लिए कोई एक्सक्यूज मत देना बाद में। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जो मैंने तुम्हें बोल रखा है 3:30 से 7 बजे का टाइम, वो प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं कल का तो ये तो तुम नाइट में कहूंगा, नाइट में भी क्लास अरेंज कर दूंगा। कल की क्लास मैं 9 बजे के करीब रख रहा हूँ रात को, फिर और कुछ नहीं कर सकते, 9:30 रख लेते हैं। 9:30 सही है श्रेया? यस सर, यस सर, 9:30। अच्छा अब क्या कहते हैं, मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ये टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ध्यान, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और बहुत टॉप लेवल तक जाएंगे इसमें, इसलिए ढंग से करना, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। नीट की बात करें, नीट में भी 13 से लेकर 16 क्वेश्चन तक आए हुए हैं इसके अंदर, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना सारा टॉपिक, सही ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और नोट्स साथ साथ बनाना है, अभी रफ में करना है, बाद में फेयर नोट्स बनाने हैं। रिटर्न में नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगा कुछ भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, इनिशियली क्या माना गया था, इनिशियली क्या मानते थे कि जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनको माना गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। वो सब क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे ये भी, इसको भी बोल दिया कैल्शियम कार्बोनेट, NaCN, साइनाइड्स हो गया, कार्बाइड्स हो गया, कार्बोनेट्स हो गया, बाइकार्बोनेट्स हो गया, इन सबको क्या मान लिया था, कार्बाइड CaC2 इस टाइप से, इन सबको बोल दिया कि ये ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लियर, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बाद में जब डिफाइन किया इसको, एडवांस डेफिनेशन में क्या बोला, हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स, उनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स या फिर इनके डेरिवेटिव्स, इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये डेफिनेशन एग्जैक्ट है इसकी, हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स, दे आर रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डिराइव कैसे कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिक कंपाउंड को किससे डिराइव करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे प्लांट से या एनिमल से, इनसे डिराइव करते हैं। और जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड किससे डिराइव होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये किससे डिराइव होते हैं, हाँ ये होंगे, जैसे वो मिनरल्स मिलते हैं ना, मिनरल्स ओर्स जो अर्थ के क्रस्ट से मिलेंगे, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान सुनना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलते हैं, अर्थ के क्रस्ट से, मिनरल्स हो गया, ओर्स हो गया, मेटल्स हो गया, ये सब इनऑर्गेनिक में आते हैं। और
ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलते हैं हमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से और एनिमल से, इनसे मिलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सी एक्स एच वाई ये होना चाहिए या इसके डेरिवेटिव्स होने चाहिए, दीज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर बर्जीलियस जो था, जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, क्लियर, बर्जीलियस, इसने अपनी वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या बोला था? बर्जीलियस एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जो, जिसने अपनी वाइटल फोर्स थ्योरी में इसने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे विल बी डिराइव्ड ओनली फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये किससे डिराइव होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड से, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करना है, इसको बनाना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनेगा। तो इसने अपनी थ्योरी में ये बोला। वुलर जो कि उस समय एक बहुत, मतलब ज्यादा बड़ा नाम नहीं था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं था वुलर, तो इसने क्या, वुलर ने क्या किया, इसने ये काम कर रहा था अमोनियम क्लोराइड और KCNO, क्लियर, ये काम कर रहा था अमोनियम क्लोराइड पे और KCNO, पोटेशियम साइनेट, क्लियर। वुलर हु वाज नॉट ए वेरी बिग नेम ऑन दैट टाइम वाज वर्किंग ऑन दिस अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम साइनेट, क्लियर, पोटेशियम साइनेट इस पे काम कर रहा था वो। तो जब उसने इसको, एक्चुअल में वो अमोनियम साइनेट बना रहा था, NH4CNO ये बनना चाहिए, जब ये इस पे काम करने के बाद उसको ये प्रिपेयर करना था हीट करने से। एक्सीडेंटली इसने ज्यादा हीट कर दिया, एक्सीडेंटली अमोनियम साइनेट को ज्यादा हीट अप कर दिया इसने, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, NH2CONH2, यूरिया NH2CONH2 फॉर्मूला इसका, ये सिंथेसाइज कर दिया इसने एक्सीडेंटली। जितने भी डिस्कवरीज हुई हैं ऑलमोस्ट सब क्या हुई हैं? एक्सीडेंटली हुई हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो गया यूरिया। दिस वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज बाय वुलर, और इससे वाइटल फोर्स थ्योरी को मतलब एक धक्का लगा था ये मान लो, या बर्जीलियस की जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो क्या हो गई? फेल हो गई। बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हो गई, जिसने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करना है, देन इट कैन बी सिंथेसाइज ओनली फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो यहाँ पे फेल हो गई। उसके बाद तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने आगे नाम, जैसे कोल्ब आया, उसने डिस्कवर किया एसिटिक एसिड को। बर्थलोट, कोल्ब ने डिस्कवर किया एसिटिक एसिड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक से। बर्थलोट आया, इसने डिस्कवर किया मिथेन को, जिसको मार्श गैस भी कहते हैं, मार्शी एरियाज में मिलती है, तो इसने डिस्कवर किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो फिर आगे तो कंपाउंड बहुत सारे डिस्कवर हो गए, और आज की डेट में हम यही मानते हैं कि जो भी मतलब हम कोई भी चीज सोच लें लाइफ के अंदर, बहुत सारी चीजों में ऑर्गेनिक मटेरियल जरूर होगा, बहुत सारी चीजों में ऑर्गेनिक मटेरियल जरूर होगा। सुबह हम उठते हैं, टूथपेस्ट किया तो उसमें हमारे पास हल्के बहुत अमाउंट में सॉर्बिटॉल होता है, सॉर्बिटॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर कोई चीज बन नहीं सकती है। उसके बाद हम लोग क्लोथ्स वगैरह पहन रहे हैं, कपड़े पहनते हैं, उसमें पॉलीमर्स से बने होते हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं, पॉलीमर्स से बने होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। मेडिसिन वगैरह लेते हैं, मेडिसिन ड्रग्स, ये सब क्या है? ये सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बिना लाइफ को नहीं सोच सकते हैं। मतलब और इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बना कौन रहा है? एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बना रहा है? कार्बन। कार्बन जो है ये मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि कार्बन जो है इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, इट कैन, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अराउंड होती है 400 किलो जूल पर मोल के आसपास, मैं अंदाजा बता रहा हूँ 416 या 410 के आसपास होती है कुछ ऐसे, तो ये इतनी होती है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, मतलब इसको बॉन्ड को तोड़ना है तो अगर एग्जैक्ट इसको तोड़ना है तो हमें 2000-3000 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर देना पड़ेगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सो बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ लिंकिंग ऑफ लाइक एटम्स, दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड बना पाता है कार्बन। कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बना पाता है बिकॉज ऑफ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। दिस कार्बन कैन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, मतलब इतने 118 एलिमेंट्स हैं। कार्बन अकेला 10 मिलियन कंपाउंड बनाता है, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट उनके कंपाउंड देखोगे तो 50,000 से लेकर 1 लाख के आसपास। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने हैं? 10 मिलियन है, और थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर डिस्कवर्ड एवरी ईयर। हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड हर साल डिस्कवर होते हैं जिसको स्टडी करना पड़ता है, और इसलिए ये किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन इज एबल टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, तो इसलिए अब यही स्टडी करना में ऑर्गेनिक, ये थ्योरी थी, थोड़ी बहुत स्टार्टिंग करनी थी इसलिए मैंने बता दिया। तो यूरिया पहला कंपाउंड था, ये लाइन ध्यान रखनी है। हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यूरिया पहला कंपाउंड था जो सिंथेसाइज किया था वुलर ने अमोनियम साइनेट को हीट करके एक्सीडेंटली, सही ना? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सही ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
तो इसके अंदर क्या है कि जैसे अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसमें कोई भी एक ऑर्गेनिक नेम, कोई भी एक आईयूपीएसी नेम, हम आईयूपीएसी नेमिंग स्टडी करेंगे पहले, आईयूपीएसी नेम कोई भी एक किससे मिलकर बनेगा, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक आईयूपीएसी नेम किससे मिलकर बनता है पहले वो चेक करेंगे। उसके लिए एक रूट वर्ड चाहिए होता है या वर्ड रूट, रूट वर्ड या वर्ड रूट चाहिए होता है। इसके पीछे वाले पार्ट्स ही होते हैं और इसके आगे वाले पार्ट्स, पीछे वाले पार्ट्स हैं तो प्री बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स, और इसके आगे वाले पार्ट्स हैं तो बोलेंगे सफिक्स, सफिक्स मींस पोस्ट, प्रीफिक्स मींस पहले, बिफोर। तो अब इसमें क्या चाहिए होता है हमें, इसके लिए पहले क्या चाहिए होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये दो चीज चाहिए होते हैं। ऐसे ही वर्ड रूट के आगे, वर्ड रूट के आगे क्या चाहिए होता है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो एक बार मैं ये बता रहा हूं तुम्हें कि वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, ये नोट करेंगे एक बार। पहले इससे सबसे पहले करेंगे रूट वर्ड या वर्ड रूट, ये तो पता होना चाहिए जरूर, रूट वर्ड या वर्ड रूट एक बार नोट करेंगे ये। अगर मैं बोलता हूं, अगर मान लिया मैंने बोला मिथ, मिथ मतलब कार्बन एक है, एक कार्बन है, मिथ का मतलब क्या है, एक कार्बन, एक कार्बन कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगा तो मिथ वर्ड यूज होगा आईयूपीएसी नेमिंग के लिए। फिर इथ बोला तो कार्बन दो है, प्रॉप बोला कार्बन तीन है, ब्यूट बोला कार्बन चार है, पेंट बोला कार्बन छह है, हेक्स बोला, एक मिनट गलती हो गई यहां पे, एक मिनट, कार्बन फाइव होंगे, कार्बन सिक्स, हेप्ट बोला, कई जगह इसको सेप्ट भी बोलते हैं लेकिन हेप्ट याद रखना, सेवन, ऑक्ट बोला कार्बन एट, नॉन बोला कार्बन नाइन, कार्बन नाइन, फिर कार्बन टेन बोलते हैं, अगर दस कार्बन है तो डेक, टीईसी, डीईसी, और अगर ग्यारह कार्बन है तो ऐसे ही आगे चलता रहेगा, अनडेक, डोडेक, ट्राईडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, इस तरीके से हेक्साडेक चलेगा। और अगर सही ना आगे से क्या, जैसे कार्बन 12 आ गया तो डोडेक, है ना, डोडेक, ट्राईडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, इस तरह चलेगा। और 16 के लिए याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कई जगह मैं यूज करूंगा सिटेन, C16H34, एल्केन होता है C16H34, सिटेन। और कार्बन 20 आ जाते हैं, कार्बन 20 आएगा तो आइकोसा। रेयरली आज क्वेश्चन है 10 तक ही पूछते हैं, 10 या 12 तक, इससे नहीं पूछेंगे, आइकोसा यूज करेंगे। कार्बन 30 आ जाएगा ट्राइकॉन्ट, ट्राइकॉन्ट। कार्बन 40 आएगा टेट्राकॉन्ट, ऐसे ही कार्बन 50 आएगा पेंटाकॉन्ट। तो ये बस कार्बन के लिए याद रखना है, मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, जो भी है सब याद होना चाहिए सबको, तो ये याद कर लेंगे एक तो। इसके अलावा क्या कहते हैं, अब इसमें जैसे, अब ये तो मैंने पढ़ लिया वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या बताता है, वर्ड रूट ये क्या बताता है एक्चुअल में, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्लियर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताएगा ये, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन, प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन, क्लियर। वर्ड रूट विल डिनोट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन, ध्यान से सुनना है बिल्कुल, वर्ड रूट क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज कॉल्ड एज वर्ड रूट। अब नेक्स्ट क्या आएगा इसके अंदर, अब वर्ड रूट के आगे नोट करेंगे, वर्ड रूट के आगे, अब या पहले आगे, वर्ड रूट के आगे सफिक्स, सफिक्स आया जैसे दो तरीके का, सफिक्स मीन्स पोस्ट, विच कम्स आफ्टर द वर्ड रूट, विच कम्स आफ्टर द वर्ड रूट, तो इसमें प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये वर्ड रूट के आगे लगेगा, यानी मिथ, एथ, प्रॉप के आगे लगेगा, तो प्राइमरी सफिक्स। अगर मैं बोलता हूँ प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स का मतलब, प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या है, जो हमें बताएगा सेचुरेटेड या सेचुरेशन या अनसेचुरेशन के बारे में, इट प्रिडिक्ट्स वेदर कार्बन चेन इज सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड, सेचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड, ये याद रखना, और वेदर कार्बन चेन इज सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मीन्स अनसेचुरेशन, क्लियर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मीन्स अनसेचुरेशन। तो सेचुरेशन मतलब सिंगल कार्बन, कार्बन में सिंगल बॉन्ड है,
अनसेचुरेशन मीन्स कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, मीन्स कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट अब आएगा, ये था दिस वॉज प्राइमरी सफिक्स। जैसे इसके लिए मैं अगर सिंगल बॉन्ड होता है, अगर सिंगल बॉन्ड है ध्यान देना, तो मैं वर्ड यूज करूंगा एन, ये याद रखना है। सिंगल बॉन्ड है तो मैं मिथ के आगे एन लिखूंगा, या इथ के आगे एन लिखूंगा, ड्यूट के आगे एन लिखूंगा, टॉप के आगे एन लिखूंगा, मतलब एन आएगा अगर सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। इफ देयर इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देन सफिक्स दैट इज प्राइमरी सफिक्स एन विल बी यूज्ड। सिमिलरली इफ देयर इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी अनसेचुरेशन है, ये क्या है अनसेचुरेशन, अगर अनसेचुरेशन है इन दैट केस इन विल बी यूज्ड, इन यूज करेंगे। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हम यूज करेंगे क्या, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या यूज करेंगे आइन, आइन एन इन और आइन ये यूज करेंगे। ध्यान रखना एन के साथ कभी भी इन नहीं आ सकता, एन के साथ कभी भी इन नहीं आएगा, ऐसे ही एन के साथ आइन भी नहीं आएगा, इन और आइन साथ आ सकते हैं, इन और आइन दे कैन कम अलोंग विद ईच अदर बट नॉट एन एंड इन, क्लियर। एन और इन साथ नहीं आएगा, ना ही एन और आइन साथ में आएगा, क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना है, इन और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ सकते हैं साथ में, सिंगल बॉन्ड के साथ कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो पेपर में होती है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये मैंने बता दिया प्राइमरी सफिक्स, याद करना है मैंने जैसे बताया मिथ एन, ध्यान रखेंगे मिथ एन, मिथ क्या है वर्ड रूट, एन क्या है प्राइमरी सफिक्स। ये एक छोटी सी बात बता दी यहाँ पे, मैंने बोला इथीन तो इथ क्या है वर्ड रूट, इन क्या है, इन क्या है प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स, ये इतना बताया अभी। अब है सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, सेकेंडरी सफिक्स प्रिडिक्ट्स, ये क्या बताएगा टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इट प्रिडिक्ट्स द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, ये बताऊंगा मैं। टेंथ वाले बच्चे खासतौर पर ध्यान देंगे, कोई डाउट आएगा तो मैं क्लास के बाद 10 मिनट तुमसे बात करूंगा, तो इसलिए ध्यान देंगे थोड़ा सा। टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप जैसे OH है, जैसे OH है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है तो ऑल लगाते हैं, एंडिंग करते हैं ऑल से, टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स बताएगा टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर आता है COOH तो लगाते हैं ऑइक एसिड सफिक्स, यानी बाद में क्या लगेगा ऑइक एसिड। NH2 आ जाता है तो लगाते हैं अमीन, तो लगाते हैं अमीन, NH2 आ गया तो अमीन लगा देंगे, समझे कि नहीं। तो इस टाइप से ये सफिक्स होता है, ये क्या होता है सफिक्स। CHO आ जाता है तो अल लगा देते हैं, एल्डिहाइड आइए अल लगा देते हैं, सीरियल बॉन्ड आ जाएगा तो ऑन लगा देंगे, तो क्या लगा देंगे ऑन लगा देंगे। तो ये क्या है सेकेंडरी सफिक्स, प्रिडिक्ट्स द, ये सेकेंडरी सफिक्स होता है टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये कौन बताएगा सेकेंडरी सफिक्स, वर्ड रूट के बाद आएगा। अब एक बार एग्जांपल देखेंगे, जैसे एग्जांपल बोला मैंने ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल तो ब्यूट यहाँ पे क्या है, ब्यूट क्या है यहाँ पे वर्ड रूट, एन क्या है प्राइमरी सफिक्स, जिससे पता लगेगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और ऑल क्या है, ऑल क्या है सेकेंडरी सफिक्स। अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे ब्यूट का मतलब चार कार्बन, तो चार कार्बन लगा दिए, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट चार लगा दिए, और ओ एल लगा हुआ है, ओ एल लगा है मीन्स OH लगा देंगे, ये बन गया। और हर एक कार्बन के चार बॉन्ड होंगे, हर एक कार्बन के चार बॉन्ड होंगे, तो यहाँ पे H3 आ जाएंगे, यहाँ पे दो बॉन्ड बने हुए हैं, एक येरा बॉन्ड और एक येरा बॉन्ड, दो बॉन्ड बने तो H2 आएंगे, यहाँ पे भी दो बॉन्ड बने एक येरा बॉन्ड एक येरा बॉन्ड तो H2 आएंगे, यहाँ पे एक और दो तो इसलिए H2 आएंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन के दो ही बॉन्ड होने चाहिए, हाइड्रोजन हमेशा कॉर्नर पे आता है, एक बॉन्ड बनता है इसका हमेशा। तो दिस इज ब्यूटेनॉल, क्लियर, दिस इज ब्यूटेनॉल। इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या है सेकेंडरी सफिक्स क्या है बता दिया मैंने, नाउ इट्स प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स, नेक्स्ट नोट करेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, तो इसके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स यानी जो वर्ड रूट से पहले आए, जो वर्ड रूट से पहले आए, ये बताता है वेदर कार्बन चेन इज साइक्लिक और एसाइक्लिक, कार्बन चेन क्लोज है कि ओपन है, कार्बन चेन इज साइक्लिक और एसाइक्लिक, क्लियर। प्राइमरी प्रीफिक्स डिनोट्स वेदर कार्बन चेन इज साइक्लिक और एसाइक्लिक, ये बताता है। जैसे अगर मैं तीन कार्बन की चेन ले लूं, ये ले लिया मैंने, तो तीन कार्बन है ना, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, जहां बेंट आ रहा है वहां पे कार्बन होता है, जहां पे बेंट आ रहा है वहां पे कार्बन होता है। अभी नहीं समझ आएगा नाम, मेरे को नेमिंग करानी है स्टार्ट अभी, तो इसका नाम बोलूंगा मैं, तो मैं बोलूंगा साइक्लोप्रोपेनॉल, क्या बोलूंगा साइक्लो से क्या पता लग गया कि कार्बन चेन क्लोज्ड है, क्लोज यानी साइक्लिक है, साइक्लोप्रोपेनॉल। तो साइक्लो जो है यहाँ पे, साइक्लो जो है यहाँ पे वो क्या है हमारा, ये क्या है प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स,
ये प्राइमरी प्रीफिक्स है, ऐसे ही सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर? टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स जैसे जैसे ब्रोमो, ब्रोमो लगा हुआ चेन में, तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा। ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया, मिथाइल हो गया, मिथाइल यानी सी एच थ्री वैलेंसी फ्री, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ये क्या होते हैं बताऊंगा अभी मैं। ये क्या है? टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। दीज आर कॉल्ड एज टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ये टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले ली, समझा दिया है। प्राइमरी वर्ड रूट क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। अच्छा, अब एक बार जो नाम बोलेगा ना, ध्यान देना, इलेवंथ वाले बच्चों में से कोई बोलेगा कम से कम क्या चाहिए होता है कि एक नाम कंप्लीट हो सके, कम से कम क्या चाहिए होता है, सबने पढ़ा हुआ है टेंथ में, ये क्या चाहिए होता है कम से कम कि एक नाम कंप्लीट हो सके। नहीं, जो पहले अपना नाम बोलना है, जो भी आंसर दे रहा ये एक नाम को कम्प्लीट कर सकता है, अदरवाइज तो मेरे को पूरा चाहिए होता है। जैसे अगर एक नाम पूरा जिसमें सब कुछ आ जाए, सब कुछ आ जाए, उसके लिए वर्ड रूट, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ये पूरा चाहिए होगा। जैसे एग्जांपल में मैं बोल दूंगा, जैसे मैंने लिया टू ब्रोमो साइक्लोब्यूटेनॉल। मैं अगर ये बोलता हूँ टू ब्रोमो साइक्लोब्यूटेनॉल, तो टू ब्रोमो यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है ये। साइक्लो से पता लगा कि क्लोज चेन है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स। ब्यूट है वर्ड रूट, एन है प्राइमरी सफिक्स, और ऑल है सेकेंडरी सफिक्स। इसमें सारी चीजें आ गई हैं, इसमें सारी चीजें आ गई हैं, तो ये ध्यान रखते हैं इस चीज को। टेंथ वालों के लिए ज्यादा मायने नहीं है इसका, अभी समझ आ जाएगा। अभी टेंथ वालों को समझ नहीं आएगा, जो टेंथ वाले बच्चे हैं उनको अभी नहीं समझ आएगा, ये आगे जाके समझ आएगा जब नेमिंग कर लेंगे हम। तो बस सिर्फ प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, ये वर्ड रूट क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए हमें। फिर फंक्शनल ग्रुप क्या है, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ये क्या होता है, जैसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लो, जैसे ये OH, ईथर का O, कोई भी ले लो, ये क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। क्लियर? फंक्शनल ग्रुप क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेनली डिटरमाइंस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। मतलब किसी ग्रुप में अगर OH आ गया तो मेनली मेरे को क्या पता लगेगा इससे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी ग्रुप में ईथर आ गया तो मुझे इससे क्या पता लगेगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। समझे कि नहीं? तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स मेनली डिटरमाइंस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज मेनली बताता है वो, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बता सकता है, ऐसा नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट नहीं बताएगा, लेकिन मेनली हम क्या बताते हैं, पकड़ते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये होता हमारा फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। सबसे पहला, इसमें हमें बहुत सारे चीजें पढ़नी है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जैसे अब मैं इसके अंदर पढ़ाऊंगा तुम्हें एल्केन्स, इसके अंदर स्टार्ट जो हम करेंगे एल्केन से स्टार्ट करेंगे। बेसिक जिसको आ गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसके आगे तो याद करना है कि क्या सफिक्स है फंक्शनल ग्रुप का, क्या प्रीफिक्स है। तो ये हम पहला स्टार्ट करेंगे एल्केन, और उसके अंदर भी पहले एल्काइल ग्रुप पढ़ेंगे। एल्केन क्या होता है, एल्केन टेंथ क्लास में सबने पढ़ा हुआ है, जिसमें जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होगा। CnH2n+2 जिसमें होगा, दैट इज कॉल्ड एज एन एल्केन। ये एल्केन है CnH2n+2। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम, हाइड्रोजन जो है वो डबल होंगे कार्बन एटम्स के प्लस टू, हाइड्रोजन जो है वो कार्बन एटम्स के डबल होंगे प्लस टू, हाइड्रोजन जो है वो कार्बन एटम्स के डबल होंगे प्लस टू। जैसे अगर कार्बन 10 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 22। कार्बन अगर कार्बन 8 है तो वो कितने होंगे, 18। हाइड्रोजन कितने होंगे, 18। जल्दी से निकालना आना चाहिए। कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 4। डबल करके ऐड करना, 3 किसने बोला, ऐड करके पहले डबल करके फिर दो ऐड करना है, डबल करके दो ऐड करना है। समझे कि नहीं? C3 है तो H कितना आएगा, 8। C3H8। समझे? एल्केन के अंदर ये होगा, ये यहां से दिमाग में रख लेना। कार्बन जो है जितने भी हाइड्रोजन होंगे उसके डबल, और उसमें दो ऐड कर देना, हाइड्रोजन जो है उसके डबल होंगे उसमें दो ऐड कर देना। तो ये होता है एल्केन, दिस इज कॉल्ड एज एन एल्केन। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज एन एल्केन, ये इसे एल्केन बोलेंगे। तो इसके अंदर एक तो ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें, एल्केन क्या होते हैं। अब मैं इसके
इसकी इसी के अंदर बता रहा हूँ तुम्हें एल्काइल ग्रुप, क्लियर, एल्काइल ग्रुप या पहले एल्केन, थोड़ा सा स्टडी करेंगे कार्बन। अगर मैंने एन की वैल्यू रखी वन, एन की वैल्यू रखी वन, सी एन, सी एन, एन की वैल्यू रखी वन, तो बन जाएगा सी एच फोर, बनेगा कि नहीं ये? दिस इज कॉल्ड एज मिथ, और एन लगेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड रहेगा इसमें, मिथ एन। इसे बोलते हैं मार्श गैस, क्योंकि मार्शी एरियाज में मिलती है, मार्श गैस जहां पे मॉइस्चर ज्यादा होगा, जैसे चीकड़ वगैरह ज्यादा होगा थोड़ा सा, वहां पे मिलेगी, सही ना, तो वहां पे ये मिलती है मार्श गैस। अच्छा, मिथेन ये आ गया, स्ट्रक्चर इसका ये, कार्बन के चार बॉन्ड, हाइड्रोजन का एक ही बॉन्ड, ये पता होना चाहिए, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, इसके कॉर्बन पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर इसका मिथेन, दिस इज कॉल्ड एज मार्श गैस, इसको मार्शी एरिया में मिलती है, इसे मार्श गैस भी कहते हैं, मिथेन। ऐसे ही अगर मैं एन की वैल्यू टू रखता हूँ, ध्यान देंगे, अगर मैं एन की रखता हूँ वैल्यू टू, अगर एन को रखा हमने टू, तो तब आंसर क्या आ जाएगा, C2H6, हाँ C2H6, ध्यान देंगे, हाँ C2H6, ये है इथ फिर एन, इथ फिर एन, इथेन, ये इथेन है, C2H6। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मैं रब करता जाऊंगा साथ साथ, इसे नोट करते रहना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अब कार्बन के चार बॉन्ड बनते हैं, तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, ये बना दिए, हर एक कार्बन के चार बॉन्ड है, चेक कर लो, हर एक कार्बन के चार बॉन्ड है, देख सकते हैं एक बार, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ऐसे इस कार्बन के एक, दो, तीन, और इसका ये वाला भी चार, एक कॉमन है दोनों में, तो ये चार बॉन्ड बन गए इसके, तो हर एक कार्बन के चार बॉन्ड होने चाहिए, हाइड्रोजन है तो एक बॉन्ड, ऑक्सीजन है तो दो बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन है तो तीन बॉन्ड बनाएगा, सल्फर है तो दो बॉन्ड बनाएगा ऑर्गेनिक के अंदर, तो ध्यान रखना, अब यहाँ पे एच लगा देंगे, नाउ दिस इज सेटिस्फाइड बाय एच, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ, ये इथेन, ये भी इथेन है, C2H6 भी इथेन है, ये भी इथेन है, और ये भी इथेन है, ओपन चेन फॉर्मूला में है ना, CH3CH3, ये भी इथेन है, तो तीनों ये इथेन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर, दिस इज इथेन। अब इसी में अगर मैं बोलूं तीन कार्बन आ गए, C3H8 प्रोपेन बनाने का तरीका, इसको नाम है प्रोपेन, क्या, प्रोप एन, बनाने का तरीका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और एच लगा देंगे, कितने एच आएंगे एक बार थोड़ा जल्दी से करना है, एच 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 एच, तो ये बन गया CH3CH2CH3, कार्बन के चार बॉन्ड होने चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेन, क्लियर, दिस इज प्रोपेन। ऐसे ही अगर मैं कहूंगा ब्यूटेन, तो C4H10 सिंगल बॉन्ड, एच कितने आएंगे, डायरेक्ट बना रहा हूं मैं, एच तीन आएंगे, बीच में दो आएंगे, बीच में दो, कॉर्नर पे तीन बॉन्ड पूरे होने चाहिए हर एक के, गलती नहीं करना इसमें, दिस इज ब्यूटेन, C4H10 भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान देंगे, CH3CH2 होल ट्वाइस, समझ आया कि नहीं, ये CH2 ये भी है, CH2 ये भी है, तो ब्रैकेट में करके होल ट्वाइस लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ब्यूटेन, क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज ब्यूटेन, CH3CH2 होल ट्वाइस CH3। अगर मेरे को लिखना है पेंटेन, C5H12, अगर पेंटेन लिखना है, तो एक तरीका तो ये CH3CH2CH2CH2CH3, और दूसरा CH3CH2 होल थ्राइस CH3, ये आ गया पेंटेन, क्लियर, दिस इज पेंटेन, ये क्या है पेंटेन, तो ये बता दिया यहां तक। ऐसे ही हेक्सेन होगा तो बीच में होल फोर आ जाएगा, हेप्टेन होगा तो बीच में होल फाइव आ जाएगा, हेक्सेन है तो बीच में होल फोर आ जाएगा, CH2 होल फोर आ जाएगा। अगर मान लो डेकेन है तो 10 कार्बन, डेकेन मतलब 10 कार्बन, तो CH2 होल क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और CH3 आ जाएगा। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, तो ये यहाँ पे तुम्हें एल्केन पता लग गए, अब एल्काइल ग्रुप नोट करेंगे एक बार यहीं पे, ये बेसिक्स हैं, ये समझ लेना जरूर, इसकी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर एल्काइल ग्रुप ये कैसे बनता है, एल्केन में से जब एच जाएगा, एक एल्केन में से एक एच गया तो बनेगा एल्काइल ग्रुप, एल्केन में से एक एच गया तो एल्काइल, जैसे CnH2n+2 है, इसमें से एक एच माइनस कर दिया तो बन गया CnH2n+1, वैलेंसी फ्री, तो दिस इज कॉल्ड एज एल्काइल ग्रुप, क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज एल्काइल ग्रुप। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मिथेन था, मिथेन का एच गया तो क्या बोलेंगे इसको, वैलेंसी फ्री जरूर दिखाना, एक वैलेंसी फ्री जरूर दिखाना, मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल। ऐसे ही इथेन का एच गया C2H5 वैलेंसी फ्री, मिथाइल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान देना इधर, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, CH3CH2 वैलेंसी फ्री, CH3CH2 वैलेंसी, ये दोनों इथाइल हैं, बोथ दीज आर इथाइल। ऐसे ही अगर प्रोपेन है, एच गया तो प्रोपाइल, C3H7 वैलेंसी फ्री लिख दो, और CH3CH2CH2 लास्ट वाली वैलेंसी फ्री,
तो प्रोपाइल है, इसको नॉर्मल प्रोपाइल भी कहते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल, प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल भी बोल सकते हैं। तो प्रोपेन में से कैसे किया तो याद रखना नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। ऐसे ही ब्यूटाइल चलेगा, ब्यूटाइल क्या होगा, ये ब्यूटाइल है, और C4H9 वैलेंसी फ्री, ये ब्यूटाइल है, ये भी ऊपर भी ब्यूटाइल है नीचे भी ब्यूटाइल, ऊपर भी ब्यूटाइल है और नीचे भी ब्यूटाइल। तो ऐसे पेंटाइल क्या होगा, पेंटाइल C5H11 वैलेंसी फ्री। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3CH2 whole 4 वैलेंसी फ्री, या CH3CH2CH2CH2CH2 वैलेंसी फ्री। ये सारे क्या हैं, पेंटाइल, ऑल दीज आर पेंटाइल, या नॉर्मल पेंटाइल भी कह सकते हैं, ऊपर नॉर्मल ब्यूटाइल भी कह सकते हैं, स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल भी बोल सकते हैं। तो ये हो गए ग्रुप्स सारे, बता दिया। अब नेक्स्ट नोट करेंगे इंपॉर्टेंट चीज, ये सबको समझ आ गया होगा यहाँ तक कि एल्केन एल्काइल क्या होते हैं। अब ये वाले ग्रुप नोट करना है, जैसे ये ग्रुप आ जाता है, अगर ये ग्रुप आ जाता है, दोनों साइड मिथाइल है, बीच में एक वैलेंसी फ्री, इसको क्या बोलते हैं, विनाइल। इसको क्या बोलेंगे, विनाइल नहीं है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल। बाद में मैं एक चीज और क्लियर करूंगा, स्पेशल इस केस में हम सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, अभी ये आइसोप्रोपाइल याद रखना, आइसोप्रोपाइल, क्लियर। दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल। क्यों बोलते हैं ना, मैं याद करना है इनको, ये याद करना है, इसका आइसो वर्ड दिया हुआ है, ये याद करना है इसको, सही है, आइसो वर्ड, ये नाम जिसका देखा, नाम तो याद करूंगा ना, मिथेन नाम ही है, नाम थोड़ी उसका कोई रीजन होगा। दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल, क्लियर, इसका नाम है ये। ओके, नेक्स्ट नोट करना है। अब आइसोप्रोपाइल बता दिया, आइसोप्रोपाइल ये क्या था, आइसोप्रोपाइल, एक आइसोप्रोपाइल और एक नियो वर्ड। एक नियो वर्ड क्या होता है, नियो ये होगा CH3 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 CH2 और वैलेंसी फ्री, ये नहीं भूलना बिल्कुल भी। दिस इज कॉल्ड एज नियो। इस केस में 5 कार्बन है तो उसको नियो पेंटाइल बोलेंगे, नियो पेंटाइल, क्लियर। दिस इज कॉल्ड एज नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल है। तो आइसो और नियो दो चीजें बता दी है, आइसो और नियो ध्यान रखना, मैं आगे और चीज क्लियर करूँ, और भी क्लियर करूंगा, ऐसे बहुत सारे हैं, सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी ये भी हैं चीजें, मैं बताऊंगा वो भी चीजें। तो अभी मैं एक दो नाम करवा रहा हूँ, इसके अंदर नाम नोट करेंगे। जैसे पहला नाम, नेमिंग के रूल्स जो हैं मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा तुम्हें, नेमिंग के रूल्स एग्जांपल देके, और क्लास इसके बाद जस्ट स्टार्ट हो जाएगी, खत्म होते ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान रखना चीज का, 40 मिनट्स के बाद। तो ये अगर मैं नाम बोलूं इसका नाम क्या होगा, ध्यान देना, 2 मिनट वेट कर लेना। हाँ, 2 मिनट के बाद स्टार्ट कर दूंगा। CH3CH2CH CH3 CH3, जैसे इसका IUPAC नेमिंग करना है तो सबसे पहला रूल क्या है, कि सबसे पहला रूल क्या है, बीच में बोलना नहीं, किसने बोला ये, सॉरी अभी नहीं बोला, बीच में सुन लेंगे एक बार। देखो पहले तो सबसे पहले ट्राई जो करेगा, हमेशा 10th वाले बच्चे ट्राई करेंगे, जो 10th वाले ट्राई कर रहे हैं, 4-5 क्लासेस उनको ट्राई कर रहे हैं, तो उसके बाद 11th वाले ट्राई करेंगे। CH3CH2CH CH3 CH3, ये है। इसमें पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है। तो दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कौन सी है, स्ट्रेट चेन, ये वाली, या फिर ये वाली, ये भी लॉन्गेस्ट चेन है, कोई भी, दोनों लॉन्गेस्ट हैं, कोई भी ले सकते हैं। आगे मैं ये भी बताऊंगा, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं वो चेन होगी। अभी इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, देखो ये चेन है, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो लॉन्गेस्ट चेन होगी। अभी तो इनमें दोनों में एक एक सब्स्टिट्यूएंट है, इधर ये क्या है, इधर ये चीज क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, क्लियर, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, इधर ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। दोनों की नेमिंग करोगे सेम आंसर आएगा, दोनों की नेमिंग करोगे सेम आंसर आएगा, ध्यान से ध्यान सुनेंगे 10th वाले बच्चे जो है, अच्छा ध्यान देंगे। अब मैं एक बार ये रब करो पहले यहां से, ध्यान देंगे इधर। अब ये इसकी नेमिंग करनी है, लॉन्गेस्ट चेन मेरे को पता लग गई कि लॉन्गेस्ट चेन ये वाली स्ट्रेट वाली है, तो इसमें नेमिंग करनी है, वहां से वन देंगे, उस कार्बन को वन देंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट ये है, ये पास कहां से पड़ रहा है, यहां से वन इसको देंगे, टू इसको, थ्री इसको, फोर्थ, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन होनी चाहिए, 1 2 3 4। अब टू पे ये ग्रुप क्या था, मिथाइल, टू पे ये ग्रुप कौन सा है, मिथाइल, तो टू मिथाइल, टू पे मिथाइल, चार कार्बन है तो ब्यूटेन,
टू मिथाइल ब्यूटेन, इसकी भी नेमिंग करोगे नीचे तो सेम आंसर आएगा। अगर तुम वन इसको देते हो, सपोज वन इसको दे रहे हो, सपोज इस कर्व, अब ये लॉन्गेस्ट चेन है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, अब इसकी नेमिंग वन इसको देंगे, वन इसको देते हो, टू इसको देंगे, थ्री इसको, फोर इसको, क्यों वन इसको क्यों दिया इस कार्बन को, क्योंकि इसके पास ये टू पे आ रहा है, तो इसका भी नाम क्या आएगा, वन टू, टू पे मिथाइल, चार कार्बन है तो ब्यूटेन, चार कार्बन है तो ब्यूटेन, स्ट्रक्चर बनाना है इसका, ये नाम दे रखा है और स्ट्रक्चर बनाना है, तो पहले हमेशा लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, ब्यूट लिखा है तो चार कार्बन बना देंगे, चार कार्बन बना दिए, अब टू पे क्या है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल क्या होता है सी एस थ्री, मिथाइल क्या होता है सी एस थ्री, अब उसके हर एक कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन से, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे इधर, तीन, इधर कितना आएगा एक, इधर कितने आएंगे दो, इधर कितना आएगा तीन, ये स्ट्रक्चर बन गया इसका, दिस इज टू मिथाइल ब्यूटेन, क्लियर, दिस इज टू मिथाइल ब्यूटेन। अब इसका मैं एक कॉमन नेम बता रहा हूं, देखो किसको समझ आता है, आइसो पेंटेन, ये इसका कॉमन नेम है, आजकल कॉमन नेम ज्यादा पूछ रहे हैं, ये आइसो ग्रुप आ गया ना इसके अंदर, ध्यान देंगे ये इसके अंदर आ गया आइसो ग्रुप, दिस ग्रुप इज आइसो, ऐसे पढ़ लो उसको, या ऐसे पढ़ लो या फिर ऐसे पढ़ लो, कहीं से भी देख लो तुम, दिस इज आइसो ग्रुप, आइसो कौन सा प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल होगा सिर्फ, आइसो प्रोपाइल, तो ये आइसो प्रोपाइल ग्रुप आ गया ना इसके अंदर, तो पांच कार्बन टोटल है इसके अंदर, आइसो ग्रुप आ गया, पांच कार्बन टोटल और आइसो ग्रुप आ गया, तो इसे पांच कार्बन के लिए यूज करते हैं पेंटेन, आइसो पेंटेन, दिस इज आइसो पेंटेन, ये तुम्हें थोड़ा सा समझ के याद करना है, सही ना, नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट नोट करना, आगे एग्जाम्पल लिखेंगे एक और, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे अगर ये, एक इसकी नेमिंग ट्राई करनी है, क्या नेमिंग होगी इसकी, टू टू डायमिथाइल, टेंथ वाले बच्चे, बोलना किसी को टेंथ वाले बच्चों में से, सर टू डायमिथाइल ब्यूटेन, बहुत अच्छा ट्राई किया बहुत, किसने बोला ये, सर अर्नव, अर्नव थोड़ी सी गलती कर गया ना, देख पहले लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, स्ट्रेट चेन वाली, स्ट्रेट चेन वाली लॉन्गेस्ट चेन, ध्यान देंगे स्ट्रेट चेन वाली लॉन्गेस्ट चेन ये रही, अब वन देंगे जहां से सब्स्टिट्यूट पास पड़ रहे हैं, वन इस कार्बन को देंगे, टू पे ये, थ्री पे ये, फोर पे ये, अब टू पे कितनी बार मिथाइल है, दो बार है ना, टू पे कितनी बार मिथाइल है, दो बार, तो अगर दो बार सेम चीज आ रही है तो डाई, तीन बार सेम चीज आ रही है तो ट्राई, चार बार सेम चीज आ रही है तो टेट्रा, पांच बार सेम चीज आ रही है तो पेंटा, छह बार सेम चीज आ रही है तो हेक्सा, अब टू पे कितनी मिथाइल है, दो बार, तो टू कॉमा टू डाई मिथाइल, टू टू डाई मिथाइल, और चार कार्बन है तो ब्यूटेन, आया समझ के नहीं, यस, टू टू डाई मिथाइल ब्यूटेन,